हाय गाइस, हर्षित यादव की स्टूडियो में आपसे स्वागत है। तो फिलहाल स्टूडियो बात करने जा रहे हैं वर्ना 2023 के बारे में। टोटल चार वेरिएंट मिल जाते हैं, EX, S, SX एंड SX ऑप्शनल। SX ऑप्शनल के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडियो में। वैसे मैंने इसके जो बेसमेंट हो जाए EX उसके बारे में वीडियो बना रही, वो भी आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इसमें दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, 1.5 टर्बो GDI एंड 1.5 MPI। दोनों पेट्रोल मिलेंगे, डीजल इंजन अभी इसमें वर्ना में इंट्रोड्यूस नहीं कराया हुंडई ने। जो इसका टर्बो वेरिएंट आता है उसके ऑन रोड प्राइसिंग चले जाते हैं 19.69 लाख। एंड जो इसका MPI मॉडल आता है सिंपल सा, उसमें आपको 18.35 लाख तक चली जाती है ऑन रोड। बारी आती है इसके डायमेंशंस की, तो गाड़ी में लेंथ मिल जाती है 4535 mm, विड्थ 1765, हाइट 1475, एंड जो इसका व्हील बेस 2670 को मिल जाता है। एंड अब जो फाइनल इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm को मिल जाता है, काफी अच्छा खासा। अब आते हैं इसकी फ्रंट लुक पे, तो यहाँ पे देखो आप पूरी DRLs मिल जाते हैं, यहाँ पे ट्रिपल यूनिट मिलती है, काफी अच्छी खासी सेटेड फिनिश में इसमें लोगो मिल जाता है। एंड पीछे की बैजिंग वरना की वो भी सेटेड फिनिश में मिल जाती है। LED सेटअप मिल जाता है, 4 लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पे कॉर्नरिंग लैंप भी मिल जाता है, इसके नीचे इंडिकेटर, मतलब काफी अच्छा थ्रो मिलता है इसका। ग्रिल पे आए तो यहाँ पे आपको पैनो ब्लैक फिनिश में ग्रिल जाते हैं। सामने एक साइड देखो कि रेडार मिल जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा किस चीज का काम आता है। साइड में आया था यहाँ पे देखो नॉन टर्बो वेरिएंट्स का अलॉय व्हील दिखा रहा हूँ मैं आपको, सामने सिल्वर टोन मिलते हैं। जो इसका टर्बो वेरिएंट है उसका अलॉय व्हील देखो ब्लैक कलर में मिल जाते हैं, दोनों के साइज सेम है 205/65 R17 के मिलते हैं दोनों। बाकी पीछे की टेल लाइट देखो LED मिल जाती है, उसके नीचे इंडिकेटर, एंड इंडिकेटर के लेफ्ट साइड में रिवर्स लाइट मिल जाती है। इसका हुंडई का लोगो वरना एंड SX जो बैजिंग दे रही है वो पूरी सेटेड फिनिश में मिल जाती है। इंटीरियर पे आए थे यहाँ पे 10.25 इंच की डुअल स्क्रीन मिल जाती है, ऊपर की साइड सनरूफ, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, मल्टीफंक्शन स्क्रीन मिल जाती है, उसमें आप AC भी एंड रेडियो दोनों चला सकते हो। 64 क्रेडिट्स की इसमें MI लाइटिंग मिल जाती है जो कि एकदम मैक्स लिमिट है। एंड एक चीज इसको और खास बना देती है, इसमें लेवल 2 का अडास मिल जाता है, एक सेकंड कार बन चुकी है जिसमें लेवल 2 का अडास आता है। स्पेयर व्हील देखो आपको नीचे साइड मिलता है, 528 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है। अब बारी आती है इसके इंजन ऑप्शन की, जो इसका नॉन टर्बो वेरिएंट है 1.5 MPI फोर सिलेंडर के साथ जो कि निकालता है 113 BHP विद 143 Nm का टॉर्क, ऑटोमेटिक 6-स्पीड गियरबॉक्स आता है इसमें। एंड जो एक टर्बो आता है इसका 1.5 फोर सिलेंडर के साथ जो कि निकालता है 167 BHP 253 Nm का टॉर्क, 7-स्पीड DCT ऑटोमेटिक में मिल जाता है। बाकी ऐसे कुछ थी अपनी वीडियो, वैसे इस मॉडल में आपको मैनुअल भी देखने को मिल जाता है 6-स्पीड। ऐसी कुछ थी अपनी वीडियो, कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।